लॉकडाउन के बाद सरकार के जो दिशा निर्देश है मंदिर को खोलने के लिए, साथ ही जो मॉल है वो भी आज से खुलेगी। विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर के पास हम खड़े हैं और ये वो महाबोधि मंदिर है जहां देश दुनिया के विदेशी पर्यटक आया करते थे, लाखों की भीड़ होती थी, अनगिनत लोग यहां आते थे और वो विश्व शांति का प्रार्थना करते थे, अपने घर परिवार के आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना करते थे। लेकिन कोरोना महामारी के बाद से जो बोध गया, ये पूरे देश में परिवर्तन हुआ, वो बड़ी असर बुद्ध भूमि पर नज़र आई। बोध गया कि इस महाबोधि टेम्पल सुनसान हो गया, विदेशी पर्यटक नज़र नहीं आ रहे हैं। ये मंदिर जो है जहाँ अभी हम लोग देख रहे हैं कि पूरा एरिया ये सुनसान आज भी है, और ये सुनसान का एक ही वजह है कि कोरोना वायरस महामारी बीमारी से बचने के लिए सरकार को जो गाइडलाइन थी, एक ऐसी गाइडलाइन जारी किया गया कि जो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान दौर में जो सरकार के आदेश मिला है आज कि मंदिर को खोला जाएगा, लेकिन महाबोधि मंदिर के जो यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, जिला प्रशासन, जिला अधिकारी श्री अभिषेक कुमार सिंह सेक्रेटरी, उनके तरफ से यह जानकारी अभी मिल रही है कि मंदिर को 10 तारीख से खोली जाएगी, 10 जून से मंदिर को खोला जाएगा। उसके लिए जो सरकार के गाइडलाइन है उसे ध्यान में रखते हुए विभिन्न बिंदुओं पर ध्यान रखा जाएगा। दूरी जो बना कर रखना है, डिस्टेंस जो बनाना है एक दूसरे से, उसका विशेष पालन किया जाएगा। साफ सफाई पर भी बेहतर ध्यान रखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी सवाल यह है कि लॉकडाउन का जो रिकॉर्ड सरकार के पास होना चाहिए या BTMC के जो अधिकारी हैं उनके पास नहीं है। ये महाबोधि मंदिर में कितने तारीख से लॉकडाउन हुआ था, कब से यह पालन किया जा रहा है, जब BTMC के जो यहाँ का उनका जो सेंटर पूछताछ इंक्वायरी सेंटर या BTMC के जो यहाँ पे पुजारी, उनसे हमने बात करने की कोशिश की, यहाँ पे पुलिस के जवान भी हैं, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए सरकार या जिला प्रशासन कितना तारीख को कदम बढ़ाई थी, क्योंकि वक्त लंबी हो गई है और जो सरकारी सिस्टम में जो पेन और पेपर में रिटेन होता है उसी को माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल यह है कि महाबोधि मंदिर जो सुनसान पड़ी है, अंदर में क्या परिवर्तन हुए हैं, क्योंकि अधिकारी सुरक्षा के लिए जहाँ पर जो तैनात थे वो कंप्लीट आज भी तैनात हैं, और जो सरकार के आदेश है उसका बखूबी पालन कर रहे हैं, तमाम अधिकारी यहाँ पर अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से कर रहे हैं। लेकिन सवाल फिर भी क्या कि जो रिकॉर्ड सरकार के अन्य अधिकारियों के पास होना चाहिए कि लॉकडाउन में क्या क्या महाबोधि मंदिर में परिवर्तन हुआ, क्योंकि महाबोधि मंदिर की जो कमेटी है BTMC, इनके द्वारा गरीबों के लिए और अन्य लोगों के लिए काफ़ी मददगार साबित हुआ है। लाखों करोड़ों की खर्च देश के हित के लिए, बिहार वासियों के लिए इन्होंने खर्च किया, बोध गया के आसपास के गरीब परिवारों के लिए 2 वक्त की रोटी देने का काम किया, भोजन देने का काम किया, सरकार के खजाने में करोड़ों रुपए दान दे दिए गए हैं। लेकिन अब भी सरकार के या BTMC के जो तमाम अधिकारी हैं ये खुलकर पत्रकारों को बताने में परहेज कर रहे हैं।